हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि एक पेमेंट प्रूफ के ऊपर आधारित है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एप्लीकेशन का पेमेंट प्रूफ करके दिखा देता हूँ जो कि लाइव करता हूँ, और आपको पेमेंट भी लगभग आधे घंटे से एक घंटे के अंदर अंदर मिल जाता है। तो बिना समय गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, थंबनेल को देख के आपको ये तो पता चल गया होगा कि एप्लीकेशन का नाम 1xBet है। और इसका वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि इसके अंदर रिस्क है दोस्तों। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो और रनिंग करते हो तो आपको इसके अंदर लॉस होने का भी खतरा रहता है। अगर मेरा मानते हो तो आप बस थोड़ा थोड़ा सा करके, अगर सेल्फ अर्निंग से थोड़ा सा बेटर है। अगर आप इसके अंदर लालच में पड़ के बहुत ज़्यादा कमाने का सोचते हो तो आप घाटे में चले जाओगे। इसके लिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ कि रिस्की है, थोड़ा समझदारी से खेलिएगा, घाटे में मत चले जाना दोस्तों। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लालच में ज़्यादा अर्निंग करने के चक्कर में लॉस में मत चले जाना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कमा लेना। मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि मेरा तरफ से आप, मैं सजेशन है कि आप जो कि सेल्फ अर्निंग एप्लीकेशन के अंदर अर्निंग करते हो, जो कि आपका पूरा पूरा दिन इसके अंदर डाल देते हो, तो उससे बेहतर है। आपको सेल्फ अर्निंग एप्लीकेशन के अंदर एक डेली अगर आप 10 से 15 रुपये भी कमा लेते होंगे, जो कि आप पूरा दिन मेहनत करते हो, तो उससे बेहतर है कि आप इसके अंदर आपके अर्निंग कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा। और जो कि रिस्क फ्री बिट है, इसके अंदर किस तरह से खेलना है वो तो मैं अभी देखिए। मुंबई और राजस्थान का मैच चल रहा है तो मुंबई का विनिंग चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप देखिए, विनिंग ऑड इसका 1.5 है और राजस्थान का विनिंग चांसेस बहुत कम है तो इसका ऑड है 2.6 है। तो अगर आप मुंबई पे 100 रुपीज़ लगाते हो तो अगर मुंबई जीत जाती है तो आपको 150 रुपीज़ मिल जाते हैं, और अगर राजस्थान जीत जाती है तो आपको राजस्थान के ऊपर 100 रुपीज़ लगा के वो राजस्थान जीत जाती है तो आपको 262.5 रुपीज़ मिल जाते हैं। तो अगर आप प्रॉफिट के चक्कर में अगर राजस्थान पे बिट लगाते हो, अगर वो हार जाती है तो आपका देखिए घाटा में चला जाता है। इसलिए आप देखिए समझदारी से थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा प्रॉफिट कम थोड़ी ना हो, कम सही पर थोड़ा रिस्क फ्री आप बिट लगा के खेल लीजिएगा। तो अब बात आती है विड्रॉ करने के लिए। तो विड्रॉ करने के लिए मैं भी देख के मेरा अकाउंट सेक्शन में चला जाता हूँ। मेरा वैलेट में पड़े हैं 335 रुपीज़ और 110 रुपीज़ अभी अनसेटल्ड बैठे हैं, यानी कि मैंने IPL के अंदर लगाया हुआ है मुंबई पे। देखिए मैंने भी देखिए 100-110 ऐसे ही बैट लगाता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं लगाता हूँ, कुछ मैं भी ज़्यादा अमीर नहीं हूँ, बस थोड़ा ही खेल लीजिएगा। सेल्फ अर्निंग एप्लीकेशन से बेटर है, आपको डेली का कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाता है इसके अंदर। तो देखिए विड्रॉ करने के लिए मैं सीधे सीधे यहाँ पे विड्रॉ सेक्शन में चला जाता हूँ। आपको उससे पहले मैं एक और चीज़ ज़रूरी बात बता देता हूँ, इसके अंदर इम्पोर्टेंट है डिपॉजिट करते समय। अगर आप डिपॉजिट करते हो, आपको इसके अंदर ढेर सारे डिपॉजिट ऑप्शन भी मिल जाते हैं। अगर आप डिपॉजिट करते हो अपने फ़ोनपे, पेटीएम या फिर गूगल पे, किसी तरह के UPI से आप डिपॉजिट करते हो तो आपको विड्रॉ भी उसी के अंदर लेना पड़ता है। जैसे कि फ़ोनपे से आप डिपॉजिट करते हो तो आपको फ़ोनपे के अंदर विड्रॉ लेना पड़ता है, UPI पेटीएम वैलेट, पेटीएम UPI, इस तरह से डिपॉजिट करते हो तो आपको उसी के अंदर इसका विड्रॉ मिलता है। अगर आप दूसरा कोई से, जैसे कि ATM हो गया, फिर दूसरा कोई सा भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज है नीचे, इसके इनके तरफ से डिपॉजिट करते हो तो आपको इसी के अंदर विड्रॉ ले सकते हो। तो जिस मोड से डिपॉजिट करते हो तो उसी मोड से विड्रॉ ले सकते हो। तो मैंने इसके अंदर क्रिप्टो करेंसी डैश कॉइन से डिपॉजिट किया था, वो तो फिर मैं अभी डैश कॉइन से ही विड्रॉ ले लेता हूँ। तो अभी देखिए मैं आपको विड्रॉ करके दिखा देता हूँ सीधे सीधे लाइव। मैं अपने क्रिप्टो जो कि है मेरा डैश कॉइन एड्रेस, उसका मैं अभी एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ। आपको ये डैश कॉइन एड्रेस कॉइनबेस में मिल सकता है या फिर फॉसेट पे में मिल जाएगा या फिर कॉइन स्विच कुबेर में मिल जाएगा, आपको कहीं से मिल जाएगा। कॉइन स्विच कुबेर में डिपॉजिट नहीं कर सकते आप, बस उसके अंदर विड्रॉ ले सकते हो। तो आपको कॉइनबेस और फिर फॉसेट पे में मिल जाएगा, कोई सा भी बिटकॉइन ब्लॉकचेन में आपको मिल जाएगा इसका वैलेट एड्रेस। तो अभी मैं वो कॉपी कर लेता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखिए मैंने अपना फॉसेट पे का जो वेबसाइट है वो अकाउंट ओपन कर लिया है। आप इसके अंदर देख सकते हो मेरे पहले से ही यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड वैलेट मेरे 13.37 डॉलर्स पड़े हैं, ये जो कि मैंने हैं अर्निंग की है 1xBet के, मतलब इतना सारा अर्निंग नहीं किया है मैंने, 500 डिपॉजिट किया था और 100-200 प्रॉफिट होते हैं मैंने विड्रॉ कर लिया। आप इस तरह से ही कीजिएगा दोस्तों।
थोड़ा डिपॉजिट कीजिएगा, थोड़ा 100-200 रुपये प्रॉफिट हो जाता है तो आप उसे विड्रॉ कर लीजिएगा, उसी के अंदर मत रहने दीजिएगा। इस तरह से वो जब तक आपका पैसे डूब नहीं जाते तब तक आप ऐसे खेलते रहोगे, इसलिए बेटर है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट ले लीजिएगा, विड्रॉ कर लीजिएगा, फिर थोड़ा सा डिपॉजिट करके फिर प्रॉफिट कर लीजिएगा और फिर विड्रॉ कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए मैं अभी मेरा यहाँ पे डैश कॉइन का वैलेट एड्रेस है, मैं इसे बस यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कॉपी हो जाता है, और फिर मैं यहाँ से देखिए 1xBet ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे डैश पे क्लिक कर देता हूँ। और इसको अंदर क्रिप्टो करेंसीज में डिपॉजिट करने से भी कुछ लोगों को ऐसा प्रॉब्लम आ रही होगी, तो उसके लिए अगर आपको सभी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझको कमेंट करके बता दीजिएगा, बस एक दो कमेंट पे ही। मैं अगर आपको वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं एक और नया वीडियो इसके ऊपर बेस्ट बता देता हूँ कि किस तरह से इसके अंदर डिपॉजिट करते हैं। तो मैंने देखे मेरा इस एड्रेस को पेस्ट कर दिया, बस कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ तो एक कोड मांगता है ये। अभी ये पूछ रहा है मेरे को गूगल ऑथेंटिकेशन कोड, मैं इसे एंटर, तो अभी देखिए मैंने कोड एंटर कर दिया, फिर मैं कन्फर्म पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए रिक्वेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल, अभी यहाँ पे बता रहा है रिक्वेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुल, और यहाँ पे आप देखिए 201.03 INR अंडर रिव्यू। और फिर आपने मेरे फॉसेट पे का वैलेट भी देखा हो, उसके अंदर $13 कुछ ऐसा पड़े थे, और जैसे ही मुझे पेमेंट मिल जाता है, मुझको पेमेंट थोड़ी देर में मिल जाता है दोस्तों। आप यहाँ पे क्या है तो ऊपर टाइम देख सकते हो कि अभी 5:40 हुए हैं, मैं जैसे ही मुझे पेमेंट मिल जाता है तो मैं इस वीडियो को तब तक पॉज कर देता हूँ और बाद में इसको रिज्यूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका कितने देर में आपको पेमेंट मिल जाता है। तो तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो गाइस मैं फिर से इस वीडियो को रिज्यूम कर रहा हूँ जैसे पॉज किया था, मैंने अपना पेमेंट लगाया था 201 रुपये का। तो अभी मैं देखिए आपको मेरा 1xBet एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर मैं आपको मेरे अकाउंट में चले जाके यहाँ पे देखिए ट्रांजिशन हिस्ट्री पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे होंगे, यहाँ पे ऊपर टॉप में यानी कि लगभग 17:39 यानी कि 5:29 को मैंने पेमेंट विड्रॉ का रिक्वेस्ट लगाया था 201 रुपये का, और मुझको वो लगभग 6 बजे यानी कि लगभग 5:58 को मिल गया है मेरे को 201 रुपये मेरे अकाउंट में। तो मैं अभी आपको सीधे सीधे मेरे क्रोम ब्राउज़र में जाकर दिखा देता हूँ कि मेरे को मेरे वैलेट में मिले या नहीं। मैं अभी ये देखिए यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, और इसके अंदर मैंने इसका पेमेंट लगाया था फॉसेट के पे के अंदर, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। और जैसे कि अभी आप सब जानते होंगे कि लॉकडाउन हो गया है, तो अब सब फ्री भी होंगे, घर में बैठे रहे होंगे, तो फिर मेरे चैनल पे कुछ ऐसे ही वीडियोस आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर आप नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, इस समय मैं आपको ऐसे कुछ पेमेंट प्रूफ के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे आपको नीचे दिखा देता हूँ एस्टिमेटेड वैलेट, अभी तभी मेरे को 13.37 को आसपास कुछ दिख रहा था, अभी ये मेरे वैलेट एस्टिमेटेड में $15.99 तक बता रहा है, यानी कि मुझको मेरा पेमेंट मिल गया है, और वो भी मेरे को मुझे डैश कॉइन के अंदर मेरा पेमेंट मिल गया। आप चाहे तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि मेरे अंदर मेरे वैलेट के अंदर पहले डैश कितने थे और फिर विड्रॉ लगाने के बाद अभी अपडेटेड डैश है इतने हैं, तो आप पता लगा सकते हो कि मुझको पेमेंट मिल गया है नहीं। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन का पेमेंट प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है, इसका डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, इसका प्रोमो कोड भी, आप उस प्रोमो कोड को डाल के इसके अंदर डाउनलोड हो सकते हो और डिपॉजिट करके खेल भी सकते हो दोस्तों। तो थोड़ा ध्यान से डिपॉजिट करके खेल लीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि डिपॉजिट आप क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर ही कीजिएगा दोस्तों। अगर आप एक पका सेल्फ कोई सा भी दूसरे एप्लीकेशन से अर्न किया होगा करेंसी पड़ा हुआ है तो आप उसी को डिपॉजिट करके इसके अंदर अर्निंग कीजिएगा, क्योंकि आपको मिनिमम डिपॉजिट मिल जाते हैं अगर आप क्रिप्टो करेंसी से डिपॉजिट करते हो, जैसे कि डैश हो गया या फिर डिजीबेट्स। डैश कॉइन से आपको इसके अंदर मिनिमम विड्रॉल 20 रुपीस का ही मिल जाता है, और फिर दूसरे डिजी क्रिप्टो करेंसीज के अंदर आपको कुछ किसी के अंदर 9 रुपीस को मिल जाते हैं, जैसे TRX हो गया, और दूसरे के अंदर लगभग 1500-1500 के आसपास ही आपको मिल जाता है मिनिमम विड्रॉ। तो आप जैसे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है उसको आप विड्रॉ कर ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, आपने तो इसका लाइव पेमेंट प्रूफ तरीका दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब का बटन तो दबाना बनता है, क्योंकि मैं आपको इसी तरह के पेमेंट प्रूफ के वीडियोस बता देता हूँ। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो गया हो तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।